छोटे के लिए जिंदगी आया नहीं, आदमी का काम करने के लिए आया। कुछ गाड़ी अयूब साहब के साथ हम बातें कर रहे हैं। अपने वालिद साहब की वो बातें बता रहे हैं जो कि बड़ी मजे की है। दूसरी बात वो कहते थे डोंट कंप्लेन डोंट एक्सप्लेन, काम करो होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, जो असाइनमेंट दिया गया उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो ये दो बातें होती मेरे को याद है। वो अपना जो ऑफिस जाने वाला एड्रेस वाला चेंज नहीं करते सोते। एक आपने बताया कि वो सोते जो है वो 4 घंटे रात को थे और 1 घंटे बाद। और जो सबसे बात आपने इंस्पायरिंग जो जुमला बोला वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको कहा मैं फेसबुक पे शेयर करता हूँ। आपने क्या बोला? ओनली फूल्स स्लीप। सोने के लिए नहीं आई दुनिया में, आया नहीं सोने के लिए। तो सिर्फ 5 घंटे सोते थे वो। 5 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए, आराम बॉडी को 5 घंटे बहुत होता है। और सोते वक्त कभी स्ट्रेस नहीं लिया। 12 बजे सोते थे, 4:15 बजे क्लॉक की तरह हो जाते थे। कैसे एक बात और बता देना, हम आपको इतने दिन बाद देख रहे हैं माशाल्लाह कनाडा से आने के बाद। जी जी। तो हमने तो आपको माशाल्लाह जो आपको खासा तगड़ा देखा हुआ है। तो आपने ये ऑपरेशन कराया तो अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताया ना। हमारे हमारे बहुत सारे दोस्त सुनना चाहते हैं कि भाई क्या कैसा रहा था जो सिर्फ अगर ये जान के डिटेल तो आप डॉक्टर मेहर साहब है वो डिस्ट्रीब्यूट करो उनसे पता करें। साउथ सिटी में ही इज ओनली क्वालिफाइड टू मैन नॉलेज, ही इज ओनली क्वालिफाइड सर्जन इन पाकिस्तान। क्या नाम है का? डॉक्टर मेहर, क्योंकि साउथ सिटी में बैठते हैं डॉक्टर मेहर साहब। उन्होंने ये लेटेस्ट आई है टेक्नोलॉजी, पहले बहुत सारे बलून टेक्नोलॉजी थी, ये थी मुख्तलिफ चीज़ें थी इसकी, अब ये स्लीप कर देते हैं। ये भी खासी पुरानी हो गई है, दरअसल हो रही है जिसमें वापस नहीं जा सकते आप कराने के बाद। ये एक डिसएडवांटेज है, यानी आपकी मेदे को आपके स्टमक को रिड्यूस कर देते हैं थोड़ा। तो काट देते होंगे ना बाकी? जी हाँ काट देते, वापसी का प्रश्न नहीं। पहले वो रबड़ चढ़ा देते थे, वो वापस आप खुलवा सकते थे या खुल भी जाते थे वो बात। और एक रिकरेंस बहुत होती थी उसमें, और कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते थे, मतलब वो पॉप नहीं पी सकते, सोडा नहीं पी सकते थे, इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते थे। अब वो इसमें कम एक्सेस कम हो गई है। तो माशाल्लाह अब आपका उसके नतीजे में खासा वेट, पहले कितना वेट था अब कितना हो गया? यार ये नहीं बता सकता मैं बता देता ये अब उसको बंद करो। चलो बात करें चल जदा कर। लेकिन ये एक बहुत कामयाब एग्जाम्पल है मेरी नज़र में कि जिन्होंने अपना वेट इस ऑपरेशन कराने से, जिसको ओबेसिटी जो है 90% प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओबेसिटी किसको कहते हैं? मोटापा, चर्बी ज्यादा। और ओबेसिटी की वजह स्ट्रेस है, और बाद में ओबेसिटी स्ट्रेस को बढ़ाती है, स्ट्रेस ओबेसिटी को बढ़ाता है। अच्छा, हम स्ट्रेस लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं, खाते हैं ज्यादा, 90% लोगों का यही होता है। अच्छा, भूख मतलब परेशानी ज्यादा खा रहे हैं? डाउनलोड में खाने में ये सुनते थे भूख उड़ जाती है। हाँ, मुझे ये सुना था। परेशानी में स्ट्रेस अलग चीज है। अच्छा, परेशानी अलग चीज है। अंग्रेजी वाली परेशानी हो तो आदमी ज्यादा खाता है? नहीं, एक होती है, एक होता है परेशानी जो ऊपर से मालिक की तरफ से आ जाती है, वो तो परेशानी है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, एक परेशानियाँ आप खुद क्रिएट करते हैं अपने लिए, वो खा गए आप दिमाग पे दबाव डाल रहे हैं अपना, उसको स्ट्रेस कहते हैं। जैसे आप मैं अगर बात करूं, अच्छा चले वो अब अपन करते हैं तो करूँगा, इसमें मुख्तर हम ये समझे कि आपने जब ये कराया तो उसके नतीजे में आपकी कुछ दिन भूख बहुत कम हो गई? कुछ दिन नहीं, अभी भी मैं एक मखसूस क्वांटिटी जो खा सकता हूँ और खा जी सकता हूँ। ये लेकिन ऐसा हो जाता है कि छोटे बच्चे का जैसे शुरू इस तरह होता है ऑपरेशन के बाद, छोटे बच्चे का जैसे मैदा होता है वो एग्जैक्टली वो बात नहीं है, लेकिन मोर ऑर लेस उस तरह आपको रवा करना पड़ता है फिर आप अपने मेदे को, और फिर वो 3 महीने के बाद तकरीबन नॉर्मल पोजीशन हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें भूख हमसे ज्यादा नहीं खाया जाता?
नहीं खाने की जरूरत नहीं है ना, जरूरत भी नहीं है और खाना मतलब खाने का दिल भी खत्म हो जाता है, आप खा नहीं सकते। मतलब आपकी प्रैक्टिस थी कि पहले मैं जो है ना वो 3 प्लेटें खाता था, अब मेरे पास 1 प्लेट के बाद आधी, अच्छा अब आधी के बाद क्या होता है, भूख खत्म हो जाती है, डिजायर खत्म हो जाती है कि भाई नहीं डिजायर खत्म नहीं भूख खत्म हो जाती है। अच्छा खाने का दिल तो करता है आप ज्यादा खाएंगे प्रोटीन महसूस करेंगे, फिर मतलब ऐसा लगने लगेगा यार और खाया नहीं जा सकता, पेट भर गया है, फिर आप उल्टी कर लोगे। ओके मतलब पेट भर गया है, वो मैसेज आ जाता है कि पेट भर गया है, बिल्कुल। और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आप तो आपको तकरीबन 1 साल होने को आ गया माशाल्लाह से, मैं ज्यादा हो गया 1 साल, 1.5 साल। तो ये कामयाब तजुर्बा है, मतलब अगर कोई किसी को ज्यादा तकलीफ है, अब ये मुझसे ये अगर कोई एथलीट ज्वाइन कराएगा तो गलत है, उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, कोई खिलाड़ी है, कोई खेलने वाला है, कोई पहलवान है, कोई उसको ताकत चाहिए होती है, ताकत तो आपकी जरूर जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका मसल भी डाइल्यूट खत्म हो जाता है, फिर आपको रीडेवलप करने पड़ते हैं सारी चीज। अब भी मेरे को वॉक करने में अगर बहुत लंबा वॉक करूंगा तो प्रॉब्लम होती है टांगों में, लेकिन पहले तो कर नहीं सकता, ठीक हुआ यानी जो जो जिसका जो ज्यादा एक्सेस वजन है जिसका, और वो उसका बहुत ज्यादा दौड़ भाग का काम भी नहीं है, ज्यादा एक्सेस वजन तो उसी का होता है जिसका बहुत ज्यादा दौड़ भाग का काम नहीं होता, नहीं बहुत सारे वैसे भी दौड़ भाग करते हैं, पूरी यखनियां पीते हैं, खाते हैं, लेकिन फिर भी इतने मतलब इतने एक्सेस तो नहीं होते, फिट तो होते, बहुत देखे हैं लोग ऐसे जो काम भी बहुत करते हैं फिर भी बहुत ओबेस होते हैं, ठीक है, तो वो और एक्सरसाइज भी करते हैं लोग लेकिन फिर भी ज्यादा खाते हैं, यू कैन नॉट मैच योर एपेटाइट विद योर एक्सरसाइज, आप नहीं कर सकते कितना भी वॉक करें, आप 12 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, जो जो एथलीट करते हैं और ये जो रिटायर्ड इस तरह के फौजी और इस तरह के लोग करते हैं वो भी ज्यादा खा जाते हैं, क्योंकि वो 12 किलोमीटर आपने वॉक किया 6 घंटे तक तो आपने चलो ठीक हुए, फिर 6 घंटे बाद आपने खाया क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो जो बेचारे अपने साथ ऐसा कर चुके हैं वो अब करा लें तो ये एक अच्छा रास्ता है, 45 साल के बाद 50 साल के बाद कोई हल नहीं, आप पतले नहीं हो सकते 50 साल के बाद, कुछ भी कर लें। हमारे एक दोस्त ने जिनको खास करके मैंने जिक्र किया उन्होंने कहा कि यार अब उनसे मेरी जरूर मुलाकात करेगा, मैं मतलब मेरा भी मैं भी सोच रहा हूँ कि करा लूँ, क्योंकि मुस्तकिल अलग अलग बीमारियाँ हर थोड़े दिन में एक नई बीमारी आ जाती है, बिल्कुल लगी ये तो, मेरे साथ यही प्रॉब्लम था, मेरा जो जो शुगर फ्लक्चुएट करता था, टेम्परमेंट फ्लक्चुएट करता था, आपको तो याद होगा भुगतना पड़ा होगा बहुत सारी दवा को, अब आप महसूस नहीं करते कि मेरा फ्लक्चुएट नहीं, आपको ज्यादा गुस्सा आता है मेरे को नहीं आता, हाँ ये था, तो इसका मतलब ये है कि और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमें अब मुस्तकिल पैदा हो जा रही है वो भी वजन कम होने से कम हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला वजन कम होना इज ऑलवेज अ गुड थिंग, हेल्दी वजन कम हो, ये एग्जैक्टली हेल्दी नहीं है लेकिन अनहेल्दी भी नहीं है। हमारे दोस्त ने जुनेद मुकाती खास करके उन्होंने कहा था कि भाई मुझे मिलवाना, तो मैं पता नहीं मिलवा सकता नहीं मिलवा, लेकिन फेसबुक पे कोई ना कोई उनको जरूर दिखा देगा, और वो इस बहाने जो है ना वो आपकी तरफ से एक उनको पैगाम मिल जाएगा कि मैंने ऐसा किया है, अब बाकी तो हर एक का अपने एक्सपीरियंस होगा। तो नाम क्या है डॉक्टर मेहर? डॉक्टर मेहर साहब एक ही है साउथ सिटी में, नाम तो वो उनका बल्कि अगर कोई वही क्वालिफाइड एक आदमी है पूरे पाकिस्तान में कमान ऑफिस जो साउथ सिटी में होते हैं जी है। अब बेहतरीन डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, आपका तजुर्बा उनके साथ अच्छा रहा, हर किसी का ठीक है, जितने भी लोगों ने कराया है वो ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों से बात की थी कराने से पहले, जितने भी कराया है उनका तजुर्बा ठीक है, बाकी फिर हमारी अपनी अगर नाइलेज है मैं वॉक नहीं करता हूँ, रेगुलरली वॉक करना चाहिए जाके तो फिर फसल बन जाएंगे, उस वक्त थोड़ी सी खाना थोड़ा खुराक बन जाएगी तो इतना जिनकी कमजोरी मुझे होगी चल रही होगी उनको, ये सब चीजें मुमताज मेहर साहब, जजाकल्लाह बहुत शुक्रिया।